हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि कॉमन टॉपिक। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। चैनल में नए हैं तो आपको करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब विद बेल आइकन, जिससे आप आने वाली वीडियो से टाइम से नोटिफाइड हो पाओगे। काफ़ी दिनों के बाद आपके लिए लॉन्ग वीडियो लेकर आई हूँ और इस वीडियो में आपके साथ कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स शेयर करूँगी। और बिगनर है अगर तो आपके लिए ब्यूटी प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। अंडर 150 की रेंज में ये प्रोडक्ट्स मैंने बाय किए हैं। अभी यूज़ नहीं किया लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी मैंने चेक की थी तो काफ़ी अच्छी है। 150 के अंडर ये प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप बिगनर हैं, आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स में, तो आप इनके साथ जा सकते हो। आप फिर मेकअप रिमूवर, वाइप वगैरह ये सब शेयर करूँगी। ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं, लिमिटेड प्रोडक्ट्स मैंने बाय किए तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जैसे कि आपको पता है मेरा पार्लर है, तो मैं पार्लर में मेकअप वगैरह क्लासेस देना होता है तो मुझे ये सब प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम मेकअप करते हैं तो मेकअप रिमूवर करने के लिए बहुत कुछ हमें चाहिए होता है। तो उसी से रिलेटेड कुछ कुछ बाय किया, कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, कुछ स्पॉन्जेस हैं, यही चीज़ें मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। और क्वालिटी इन प्रोडक्ट्स की बहुत बहुत अच्छी है, तो चलो वन बाय वन करके मैं आपको प्रोडक्ट दिखाना चालू करती हूँ और ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। तो फर्स्ट मैं आपके साथ बात करती हूँ सिंदूर की, क्योंकि अगर हम किसी भी ब्राइडल और मैरिड का मैं मेकअप करती हूँ तो ना सिंदूर की ज़रूरत होती ही होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि पर्स में सिंदूर लाना मैं भूल जाते हैं तो मुझे पार्लर में सिंदूर रखना पड़ता है। तो ये मैंने 50 रुपये का एक सिंदूर लिया है और बहुत अच्छी क्वालिटी का लिक्विड सिंदूर है ये, और बहुत अच्छा मैंने फिलहाल लगाया। पर मैं आपको लगा के दिखा दे रही हूँ कि ये देखो, ये रेड कलर में मैंने दो कलर लिए हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इनकी। तो अगर आप मैरिड हैं तो आप इन सिंदूर को लेके ज़रूर रखिए अपने पर्स में, और अगर आपका पार्लर है तो आप पार्लर में भी रखिए, क्योंकि मेकअप में मैरिड लोगों को ज़रूरत पड़ ही जाता है। देन मैंने स्पॉन्ज का क्यूट सा सेट लिया है, ये मुझे 100 रुपये का पड़ा है और इसमें मुझे टोटल 7 स्पॉन्जेस मिले हैं। एक ब्लेंडर है और 6 स्पॉन्ज हैं। कलर बहुत प्यारे प्यारे थे इसलिए मैंने ये पैकेट लिया है। क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। बहुत सॉफ्ट है ये, और ये वेट करने में और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे कि आपको पता है ब्यूटी ब्लेंडर्स हम यूज़ करते हैं तो ये वेट होने पर और साइज़ इंक्रीज़ होता है। इस तरह का ब्यूटी ब्लेंडर हमें बहुत अच्छे से मेकअप में फाउंडेशन ब्लेंड करने में काफ़ी हेल्प हो जाती है, और ये इनर कॉर्नर्स वगैरह में, तो आप इसके साथ जा सकते हो। मैंने इन्हें लोकल मार्केट से परचेस किया है, जो प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो मैं लिंक आपके साथ नहीं शेयर कर पाऊँगी। देन मैंने ये प्राइमर लिया है, हुडा ब्यूटीज में लिखा है, और ये 150 का मुझे मिला है और काफ़ी अच्छा है। इसे मैंने पहले भी यूज़ किया है तो ये आप इसके साथ भी जा सकते हो। सिलिकॉन बेस में ये प्राइमर आपको मिल जाता है, और थोड़ा बहुत मैं आपके सामने इसे अपने हाथों में ब्लेंड करके दिखा देती हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाए कैसा है। तो ये कुछ इस तरह से है, और ये सिलिकॉन बेस प्राइमर है, ना ही स्टिकी है ना ही वाटरी है, तो बहुत अच्छे उसमें ये मिल गया मुझे। 150 इसका प्राइस है। देन मैं आपके साथ दो मेकअप वाइप शेयर कर रही हूँ। एक ग्लैम गुडनेस की है और ये मुझे 150 का एक मिला है, तो ये एक मुझे 150 का मिला है और ये वाला जो मुझे 150 का मिला है। और आपको इसमें कम से कम कितनी वैक्स मिल जाती हैं इसमें दिया है, इसमें आपको 20 से 25 तक की वाइप्स इसमें निकलती हैं, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी में मिल जाता है। ऑल स्किन टाइप के लिए है तो आपके स्किन के अकॉर्डिंग ही मैंने लिया हुआ है, ऑल स्किन ही मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि। और ये भी है आर्या का, ये भी मुझे 150 में पड़ा है, तो ये हो गया। देन मैंने ये मेकअप सेटिंग स्प्रे लिया है 150 का, और ये रहा ये, तो ये कुछ इस तरह का है। इसे मैं आपको अपने हाथों में कुछ इस तरह से, ये सेटिंग स्प्रे है, जब मैं इसे अपनी स्किन पे यूज़ करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये ब्लू कलर में है तो ये मुझे अच्छा लगा 150 की रेंज में, तो मैंने सोचा मैं ले लेती हूँ, क्योंकि अभी मेकअप क्लासेस में चला रही हूँ तो उसमें मुझे लगता ही है हाँ मेकअप रिमूव करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होता है स्टूडेंट्स को। देन मैंने ये ब्लश लिया है, और ये मेकअप स्टिक ब्लश है, और ये स्मूथ मेकअप स्टिक मास्क का ब्लश है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मुझे एक 120 का मिला है, तो ये कुछ इस तरह का है, और मैंने लाइट शेड ही लिया है, मुझे डार्क शेड पसंद नहीं आता तो ये स्टिक में मैंने ये लिया है। देन मैंने लिया है मास्क का ही, मैंने कॉन्टोर मेकअप स्टिक लिया है, और ये कुछ इस तरह का है,
तो इसकी भी क्वालिटी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी है, तो आप इनके साथ जा सकते हो। ब्लश मुझे 120 का मिला है, ये मुझे 150 का मिला है कॉन्ट्रास्ट स्टिक। तो फिलहाल इतने ही प्रोडक्ट मैंने बाय किए हैं, इनमें से आपको क्या पसंद आया वो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और कुछ नया देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके साथ आगे अभी अभी वीडियो शेयर कर दूँ करने वाली हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करने में और शेयर करने में कोई कंजूसी मत करना। तो मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।